मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार कैसे हैं आप? तो फिलहाल मैं स्कूटी में हूँ, इसका स्कूटी में आपको उतर के दिखाता हूँ, फिर आपसे मिलवाता हूँ। देखिए गाइस, हम लोग मेट्रो के पैरेलल चल रहे हैं। मेट्रो इस जगह से ऊपर की तरफ उड़ जाता है, अंडरग्राउंड से ऊपर आ जाता है। क्या परफेक्ट शॉट मिल रहा है। ये है टालीगंज के आगे, अरे ऊपर चला गया मेट्रो। सो गाइस, अभी हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लिया है, बहुत देर से भाई ड्राइविंग कर रहे थे। कौन यार साथ में मेरे, शक्ल दिखा दो सबको। नदीम भाई, जी हाँ, पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, इनको कुछ आमतला में एक जगह है, उनको वहाँ बैंक में इनको कुछ काम था, तो उन्होंने बोला साथ में चलने के लिए, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। फिर वहाँ से मैंने प्लान किया एक जगह जाने का, जो कि अगर गया तो आप इसी वीडियो में देख लेंगे। तो चलो चल के देखते हैं। अभी हम लोग रास्ता देख रहे हैं मैप में, वो क्योंकि बहुत आउटस्कर्ट्स में आ गए ना कोलकाता का, तो उतना पता नहीं है हम लोग को। तो एक बार मैप में रास्ता देख लें, फिर समझ में आएगा, फिर चलते हैं। समझ में आया भाई रास्ता? हाँ देख, अल्टीमेटली वहीं लेके जा रहा है। हाँ वो आई थिंक वो शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, तेरी मर्जी, जहाँ से चलते हैं चल, मज़ा आएगा। तो चलो फाइनली चलते हैं, रास्ता क्लियर आउट हो गया कहाँ पे जाना है। अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पे हैं, टालीगंज से आगे निकले थे। चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो नदीम भाई ने अपना मोबाइल सेट कर लिया रास्ता देखने के लिए। चलिए, अच्छा काम किया। ये कब लगवाया भाई? बढ़िया, चलो अच्छा है, आज ही लगवाया नदीम भाई इसको, तो मजा आएगा। ये समझ लीजिए कोलकाता का आउटस्कर्ट्स है, इनफैक्ट कोलकाता किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा और साउथ 24 बारगनास आ जाएगा। तो आज मैं और नदीम भाई निकले लॉन्ग ड्राइव पे, एक तरह से आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ मैंने सोचा जाने का, फालता जाने का सोचा है। अगर नदीम भाई का काम जल्दी खत्म हो गया, तो एक बार उनका काम जल्दी खत्म हो गया फिर हम लोग फालता चलेंगे घूमने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत सालों से मैं वहाँ जाने का सोच रहा था। तो गाइस देखिए, कैसे जोकर्स ऑलमोस्ट आ चुके हम लोग। ये है यहाँ का एमजी रोड। मैं अपने वहाँ का एमजी रोड से साउथ कोलकाता का एमजी रोड में आ गया हूँ। यहाँ पे खड्डे ही खड्डे। एक्चुअली हम लोग का प्लान कल का आने का था, लेकिन पता ही है आपको, 3 दिन से जो तूफान आया हुआ था, साइक्लोन जाबार, जो बारिश हुआ है, हालत ख़राब कर दिया था, तो इसलिए हम लोग को 1-2 दिन एक्सटेंड करना पड़ा। सो गाइस ये देखिए, यहाँ पे जोका मेट्रो आ चुका है। अगर आपको पता नहीं तो आपको बता दूं कि ये लाइन नंबर 4 बन रहा है जोका से एस्प्लेनेड वाला, जिसका पहला फेज जोका से ये खिदिरपुर जो है ना वहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर फ्यूचर में एक्सटेंड होकर वो एस्प्लेनेड पहुँच जाएगा। तो ये पूरा ऑलमोस्ट रेडी है यार, पूरा जोका मेट्रो अच्छा है। पूरा मेट्रो से जब कनेक्ट हो जाएगा ना, बहुत आराम हो जाएगा। फिर भी 5 साल है कम से कम, अभी खूबसूरत क्या मस्त एरिया है यार। सीरियसली जोका में जो है ना भाई, मस्त एरिया। ऊपर से मेट्रो भी आ जाएगा ना 5 साल के बाद, तो जबरदस्त हो जाएगा। आइए आपको मैं बता दूं गाइस, ये अभी हम लोग डायमंड हार्बर रोड पकड़ चुके हैं। यहाँ से सीधा अगर हम लोग चले जाएंगे तो डायमंड हार्बर पहुँच जाएंगे। आ गया क्या ब्रो? अभी भी होगा 5 किलोमीटर जहाँ हम लोग जाना है, उसके बाद कितना, 9 किलोमीटर, उसके बाद फिर फालता वहाँ लगभग 20 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर फालता के लिए है। काफ़ी मस्त लग रहा है ये एरिया, सच में ज़बरदस्त है ब्रो। अभी देख रहा भाई, पूरा यहाँ पर खाली तो वो दिख रहा है ना मैदान, आने वाला 10 साल में पूरा ये भर चुका होगा, हम गारंटी दे रहे हैं। हर जगह सारा देख रहे हैं, वही बात है। देख बस, खाली भी सीधा है, काकद्वीप भी सीधा है, गंगा सागर भी सीधा है, डायमंड हार्बर NH 117। बस खाली से याद आया, कब जाएगा भाई? मेरा ऑडियंस वेट कर रहा है तेरा, कि बस खाली जाएगा तो हम भी जाएंगे, तो ब्लॉग बनाएंगे। कब जाएगा बता? इसी तरह रोड ट्रिप करते हुए बस खाली जाएंगे, मजा आएगा। गाइस जानते हैं ये वाला पूरा इंडस्ट्रियल एरिया मालूम है, पहाड़पुर फैक्ट्री, सेंचुरी प्लाई का फैक्ट्री, लेफ्ट हैंड साइड में 2-4 फैक्ट्री गया, यहाँ पे फैक्ट्री एरिया भी है सारा। ओह माय गॉड, क्या मस्त मंदिर है यार। तो देखिए गाइस,
वाह बाबा बाहुबली, क्या खूबसूरत मंदिर है यार। पता ही नहीं था कौन सा मंदिर है। देखो गाइस, इसीलिए बोलते हैं ट्रैवलिंग में निकलने से ना कुछ नया दिखता ही रहता है। भी एरिया है, पूरा फैक्ट्री से भरा पड़ा है, इतना खूबसूरत खूबसूरत पॉन्ड्स आ रहा है बीच में, फर्स्ट चॉइस रेडी मिल रही है। यहाँ पर भी एक फैक्ट्री है, बोला ना ये पूरा फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एरिया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉन लीनियर रोपवे। वाकई में यहाँ इस एरिया में इतना कुछ हमको पता ही नहीं था। देखो पता था, इसीलिए बोलते हैं हफ्ता में एक दिन निकला करते हैं साथ इस तरह से। फिलहाल विष्णुपुर आ तो चुका है जहाँ भाई को आना है, बट अभी भी लग रहा है कि दो किलोमीटर और है आगे। ये आमतला एरिया, यहाँ पर ही एम बाजार है भाई, छोटा मोटा शहर लग रहा है, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया भाई ये भी। हम सोचा नहीं अचानक से इतना गांव आते आते इतना कंजेस्टेड एरिया आ जाएगा। तो गाइस फाइनली आ चुके हम लोग जहाँ पे नदीम भाई को आना था, अभी वो किसी का वेट कर रहे हैं, उनका काम होता है, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। फिलहाल बहुत दूर ड्राइव करके आया यार, मतलब कि ये समझ लीजिए जोका से भी लगभग 15 किलोमीटर आगे है, आमतला बोल के कोई जगह है, डायमंड हार्बर रोड है ये हाईवे। सो गाइस फाइनली भैया का काम हो चुका है, खत्म हो गया, अब हम लोग थोड़ा एंजॉय करने जाएंगे, अब फाइनली हम लोग घूमने जाएंगे। बज रहे हैं अभी कितना, 3:15, अभी भी सनसेट में 2 घंटा है लगभग, तो चलो भाई चलते हैं, एंजॉय किया जाए, चलो फालता चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में पहली बार भैया ने शक्ल दिखाया अपना, अभी तब से तो चलो चलते हैं। और काफ़ी सुंदर जगह, आप वहाँ पर आपको जाके दिखाऊंगा ना, आप भी बोलेंगे वाकई में, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर पिकनिक स्पॉट। अपना फैमिली के साथ आप पिकनिक मनाने फालता आ सकते हैं वहाँ पे, क्या है आप खुद ही वीडियो में बने रहिए, आप अपने आप देख लीजिएगा। मस्त ना, देखो बखाली नाम खाना फालता के लिए राइट लेना है, चलो ले लो यहाँ से, ये रहा फालता जाने का रास्ता, यहाँ से राइट ले लिया, सीधा आप जाएंगे तो बखाली और नामखाना और डायमंड हार्बर आ जाएगा, बट फालता हम लोगों जाना है, टर्न ले लिया है, अब मजा आएगा। रोड देखिएगा इस फालता के अंदर कैसे घूमते, पूरा खड़ 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 कर पूरा ईट वाला है, पूरा वाइब्रेट कर रहा ना बॉडी भाई। तो अब यहाँ से हाईवे शुरू, फाइनली फालता जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि कभी आऊँगा तो अकेले ही आऊँगा, लेकिन आज मौका मिला तो नदीम भाई के साथ आ गया, अब आपको वहाँ का सनसेट दिखाता हूँ, ऐसे भी 1 घंटा में सनसेट होने वाला है। क्या खूबसूरत नजारे हैं, सीरियसली मजा आ गया, पूरा खेते खेत इसे आसमान भी समझ होता है यार। देखिएगा स्पीड से वैसा वाला खट्टा वाला ईटा वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है, पूरा खड़ 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 मस्त मजा आ रहा है। लेकिन जो बोल गाइस फाइनली आ गए, यही लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले, क्या बोल रहा है हाँ यही सुन ला, आगे में तो मैदान होगा खुला सा, हमको लग रहा है नहीं नहीं इधर ही है, हम बोल रहे हैं इधर ही है। ओ वाओ सीरियसली यार, वो तो हो रहा वो तो माय गुडनेस क्या
क्या फवाद लगा भाई। सो गाइस फाइनली इतना देर ड्राइव करने के बाद फाइनली फालता पहुंच चुके हैं और मुझे ये जगह आना ही था वाकई में। तो ये क्या खूबसूरत लोकेशन है, आपको चल के दिखाता हूँ। बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया ना भाई ड्राइव करते करते। वाओ वाओ दिस इज फोटोग्राफी हेवन है ना भाई। हाँ इतना देर ड्राइव करने के बाद ये लोकेशन जबरदस्त। रुको आपको दिखाता हूँ। तो क्या आप सब रेडी है गाइस देखने के लिए वो सीन? चलिए दिखाई देता हूँ फाइनली। ओफ ओ भाई क्या लोकेशन है। वो वाला ब्रिज बंद है ना, वहां पे अगर मौका मिले तो पैदल चलते हैं, पहले यहाँ पे घूम लें। ओफ भाई भाई भाई, ओ लकड़ी का पट्टा। ओफ वाओ, यहाँ पे हुगली नदी का ये देख रहा भाई एकदम अपने प्रचंड रूप में बोलते हैं ना। ओफ सो गाइस मजा आ रहा है कि नहीं? ओफ मजा आ रहा भाई, चल ना फोटो खींचते हैं आगे। अब मैं क्या बोलूं, मेरा उस वर्ड नहीं यार ब्लॉगिंग करने के लिए। इतना खूबसूरत जगह है ना, बोल सही जगह लेके आया कि नहीं? तेको ते मना कर रहा था, लेकिन एक बात बोले, डर भी लग रहा है इस लकड़ी का पट्टा में चलने के लिए ना भाई। एक साइड में टिल्टेड लग रहा है ना ये, है ना दीम भाई? वही वही बोल रहे, एक साइड में पूरा टिल्टेड है उस साइड, उस तरफ थोड़ा ध्यान से जाना होगा, लेकिन वाओ दिस इज प्योर मैजिक। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर, पालता ब्रिटिश जेटी इसका नाम है। मैं लोकेशन लिंक कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को आना आप आ सकते हैं। देखिए अचानक से धूप आ गया और मजा आ रहा है, सीरियसली कैसा लग रहा था? जबरदस्त जबरदस्त ड्राइव किया, लेकिन ड्राइव बहुत ड्राइव करने के बाद ऐसा लोकेशन देख कर करके जो है थकान मिट जाता है। जस्ट चेक आउट दिस लोकेशन, सीढ़ी है ना नीचे जाने का। ओह जाएगा ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी जो है सब अपना प्रेमी प्रेमिकाओं का नाम लिख दिया। सो गाइस आप देख सकते हैं वहाँ पे दूर में एक्चुअली पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे, ये देखिए वो जो पूरा ग्रीन ग्रीन मैदान टाइप का देख रहे ना, वहीं पे सब फैमिली लोग आता है पिकनिक करता है वहाँ पे। और ये जेटी वाला है, मतलब ये बना है जैसा, पहले यहाँ से जेटी चला करता था, अब शायद चलता नहीं है, बंद हो गया। सो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे फालता ब्रिटिश जेटी में। और ये फालता एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब सीरियसली आप देख सकते हैं हम लोग हुगली नदी के बीच में, मतलब कैन यू इमेजिन, डर भी लग रहा है व्लॉगिंग करने में, अगर हाथ से फ़ोन जाएगा तो सीधा जाएगा। और क्योंकि ये आगे जाके डायमंड हार्बर, उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल से मिल जाता है ना, तो यहाँ पे बहाव को ज़्यादा ही तेज़ है और एकदम इंटेंस है। फोटोग्राफी हेवन है, फोटोग्राफी हेवन है यहाँ पर। नदीम भाई सेल्फी ले रहे थे तो वही पोज दे रहे हैं। अभी एक्चुअली यहाँ पे आएंगे ना, अभी वहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे, हाँ वहाँ पे पूरा गार्डन है, वहाँ पे पिकनिक करने आता है फैमिली, वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर पे। और ये एक्चुअली जो पुराना जेटी है, यहाँ पे एक बोट आता था इसलिए ये बना हुआ था, अभी ये अनयूज्ड है, मतलब कि अब ये एक्टिव नहीं है, अब वो वाला एक्टिव है। वहाँ पे नदी आता है, नदी क्रॉस करवाता है बोट वगैरह, और देख सकते हैं आप कितना मज़ा आ रहा है सीरियसली। ओफ लेकिन नई बात है, अभी नदीम भाई को ड्राइव करके जाना है, डेढ़ घंटा दो घंटा लगेगा जाने में, बहुत दूर है ये भी, वाकई में बहुत दूर है। लेकिन हाँ एक वीकेंड डेस्टिनेशन है कोलकाता, से अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, मजा आता है ना भाई? मजा आएगा, रास्ता भर एंजॉय करते हुए आएंगे, क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत है ना, वाकई में खूबसूरत है, ऊपर से मौसम भी जबरदस्त था अभी। तो चलो हम लोग फोटो लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, तब तक आप यहाँ का थोड़ा सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो।
मन नहीं कर रहा भाई जाने का यहाँ से। सीरियसली बहुत अच्छा लोकेशन, नीचे उतरेगा? सीढ़ी है वैसे, देखिए चलो चलते हैं यहाँ से, बहुत लेट हो रहा है, फिर ड्राइव करके जाना भी भाई को। चलो भाई, तो गाइस यहाँ से ब्रिटिश जेटी से हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ पे देखिए साइड में कहा एक ठीक है जाओ खेलो, उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ एक्चुअली जेटी है, मतलब के वहाँ से रिवर क्रॉस किया जाता है, बोट आता है, तो चलते हैं अभी आगे में जाएंगे, आपको वो वाला पिकनिक स्पॉट एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम लोग निकल जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि अभी सनसेट हो जाएगा, फिर ड्राइव करके भी इतना दूर जाना है। सो बाय बाय टू दिस लवली प्लेस, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी जा रहे थोड़ा वो वाला स्पॉट पे जहाँ पे सारा इंसान पिकनिक करने के लिए आता है। चलो सो गाइस, अगर आपको बस से आना है यहाँ पे ना, तो देखिए 83 नंबर बस आता है यहाँ पे, 83 नंबर का बस स्टॉप है, ये सीधा बाबू घाट से आपको मिलेगा, एस्प्लेनेड से भी बस मिलता है। सो गाइस ये देखिए, ये आ गया जहाँ पे सब पिकनिक करता है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, वरना हम लोग वापस चले जाते हैं। यहीं पे लगाएगा, ओके अंदर भी लगा। सो गाइस काफी मजा आ रहा है यार, मैं नदीम भाई चलो चलो अंदर लगाओ, ये देखिए बहुत आलीशान जगह, वाकई बहुत मजा आ रहा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर पिकनिक विद फैमिली। यहाँ पे देखिए आराम से शेड भी है, बारिश वारिश होगा तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो ये देखिए गाइस, ये रहा सनसेट, ऑलमोस्ट होने वाला है, वाओ कहाँ से रास्ता है ब्रो? हर तरफ से है, हर तरफ से, लेकिन पानी यहाँ आता है तो यहाँ से चल मिल गया, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग के तरफ का एरिया। हाँ हाँ हाँ, तेरा एरिया है ना थोड़ा ऐसा इस तरह का, लेकिन वहाँ घास नहीं है ऐसा, पर यहाँ पे घास आराम से बैठने का है। सो गाइस देखो, आप लोगों के लिए इतना स्ट्रगल करके हम लोग कीचड़ में चल के उधर जा रहे हैं वाई वाकई में क्या सनसेट हो रहा है यार, है ना? लेकिन सीरियसली वीडियो में उतना दिखता नहीं है जैसा रियल आंख से दिखता है, वीडियो मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता है, यही बात है, फिर आंख में और कैमरा में फर्क क्या रह जाएगा। गाइस ये सीन देखिए, ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा है, तो एकदम पिंक स्काई हो रहा है। नदीम भाई सनसेट हो गया, शुरू हो गया है, वही हम देख रहे थे, अभी कुछ ही सेकंड वो पूरा अंदर चला जाएगा, वाओ इट्स ब्यूटीफुल ब्रो, इट्स मैजिकल। सो एज यू कैन सी गाइस, क्या परफेक्ट स्पॉट है पिकनिक के लिए ब्रो। नदीम पिकनिक के लिए कितना मस्त जगह है ये, सीरियसली फैमिली के साथ आने में पूरा एकदम चद्दर बिछा के एकदम बैठ जाओ, पूरा चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, सीरियसली हेवी लग रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ब्रो, एक्चुअली ये जमीन और आगे तक था, बट ये कट गया मत जाना, वो भी कभी भी किसी भी वक्त भी कट सकता है ये, वही हम देख रहे हैं, देखना पूरा गिरा हुआ है, पानी का बहाव काट दिया पूरा यहाँ पर भी। तो बस गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऑब्वियसली पसंद आने वाला बात ही इतना बवाल जगह, पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा, बहुत अच्छा जगह। तो चलो चलते, अब मिलता हूँ आपसे किसी अगले एपिसोड में, किसी अगले वीडियो में, किसी अगले डेस्टिनेशन। इस वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा इंसान के साथ शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल आर्टिस्टिक सागर। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग and bye bye from this beautiful place.